जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सोलंकी वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग मार्च माह का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जिसमें मार्च का पहला पार्ट लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। स्टार्ट करते हैं आज का नया फर्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के किस जिले के कैप्टन सुरेंद्र सिंह यादव दुनिया की सबसे ऊँची पहाड़ी माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतह करेंगे? पहली बात तो देखते हैं सुरेंद्र सिंह यादव पहले माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर। हिमालय को अभी देखते हैं, हिमालय को नेपाल में क्या बोलते हैं? हिमालय को नेपाल में बोलते हैं इसको सागर माथा हिमालय, ठीक है। इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, निवाड़ी। कैप्टन सुरेंद्र सिंह यादव कहाँ का है? निवाड़ी का है। इसमें और देखते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालय पर्वत श्रृंखला कैसी पर्वत श्रृंखला है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला ये एक वलित पर्वत श्रृंखला है। वलित पर्वत श्रृंखला, श्रृंखला है। इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, भावना डेहरिया मध्य प्रदेश के किस जिले से है? भावना डेहरिया भी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुकी है। नैना सिंह धाकड़ कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की पहली महिला जिसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। आगे है सबसे तेज माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाला, सबसे तेज माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाला हांगकांग का व्यक्ति तोसांग इन हंग, और मेघा परमार ने भी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। ये कहाँ की है? सीहोर की तसांग इन हंग ये कहाँ के है? ये हांगकांग भाई साहब, इसने चढ़ाई तो की है लेकिन कितने घंटों में की? इसने की है 26 घंटों में चढ़ाई की है। अगला देखते हैं नैना सिंह कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की पहली महिला। और भावना डेहरिया कहाँ की है? छिंदवाड़ा। ये सब कौन है? ये सब है माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य मार्शल आर्ट जूडो अकादमी भोपाल के किस खिलाड़ी का चयन चीन में आयोजित होने वाले वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में हुआ है? भाई साहब, चीन में कहाँ हो रही है 2021 में हो रही है, ठीक है। अगर देखते हैं मार्शल आर्ट जूडो अकादमी की स्थापना कब हुई? 2007 में हुई है। इसका सही आंसर क्या है? मुस्कान सेंधिया, ठीक है। अगला देखते हैं,
मध्य प्रदेश के कितने खेल इंडिया ये खेलो इंडिया सेंटर बनाए जाएंगे, मध्य प्रदेश में कितने खेलो इंडिया सेंटर बनाए जाएंगे, 6। अगला है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये 2021 के कहाँ पे होंगे, ये 2021 के होंगे कर्नाटक में। ये कौन से नंबर के होंगे, ये दूसरे नंबर के होंगे। अच्छा तो आप बोलोगे सर पहला कौन सा है, पहला हुआ था ओडिशा, ओडिशा में कहाँ पर, भुवनेश्वर, ओडिशा के भुवनेश्वर में पहला हुआ था। खेलो इंडिया गेम्स, खेलो इंडिया गेम्स 2021 पंचकुला हरियाणा, पंचकुला हरियाणा। अच्छा ये कौन से नंबर का है, ये है चौथे नंबर का, फोर्थ। अगर आपसे पूछा जाए अगर चौथे नंबर का है, पहला कहाँ, वो पहला कहाँ हुआ था, पहला हुआ था दिल्ली, दिल्ली पहला हुआ था दिल्ली, दूसरा होता पुणे, पुणे, और तीसरा कहाँ हुआ था, तीसरा हुआ था गुवाहाटी, गुवाहाटी तीसरा हुआ था गुवाहाटी, चौथा है पंचकुला हरियाणा। अगला खेलो इंडिया गेम्स में मध्य प्रदेश के किस खेल को शामिल किया गया, खेलो इंडिया गेम्स में मध्य प्रदेश के किस खेल को शामिल किया गया, मलखम, मलखम्ब को शामिल किया गया। खेलो इंडिया सेंटर चार प्रस्तावित है, चार प्रस्तावित है, सागर में बनेगा हॉकी का, देवास में बनेगा बैडमिंटन का, मुरैना में बनेगा एथलेटिक्स, और दतिया में बनेगा रोइंग का। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का पहला इंजीनियरिंग क्लस्टर किस जिले में बनाया जाएगा, मध्य प्रदेश का पहला इंजीनियरिंग क्लस्टर, क्लस्टर क्या होता है, एक सभी क्षेत्र से लोगों को मतलब सभी औद्योगिक क्षेत्र से लोगों को इकट्ठा करके एक हब बनाया जाएगा, उसमें सभी उद्योगपति शामिल किए जाएंगे। इसमें क्या है, ये इंजीनियरिंग क्लस्टर है, इंजीनियरिंग क्लस्टर है, इधर सभी इंजीनियरिंग क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। ये कहाँ पर बनाया जाएगा, भोपाल में बनाया जाएगा। इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, मध्य प्रदेश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, जबलपुर इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग कॉलेज। अगर आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज, मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा है, एमपी का फर्स्ट मेडिकल कॉलेज कौन सा है, गजाराजे, गजाराजे ये कहाँ पे है, ग्वालियर। अगर आपसे पूछा जाए कि एमपी का फर्स्ट फर्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश के पहली विश्वविद्यालय कौन से है, डॉक्टर हरि सिंह, हरि सिंह गौर, गौर विश्वविद्यालय कहाँ है, सागर। इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना 1946, इसकी स्थापना 1946 और इसकी स्थापना 1946। अगला देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी 600 मेगावाट की ओंकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग परियोजना खंडवा के निर्माण का कब तक लक्ष्य रखा गया, ओंकारेश्वर परियोजना, पहली बात तो ये है ओंकारेश्वर परियोजना ये कहाँ पे है, खंडवा जिले में।
किस नदी पे है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा, नर्मदा नदी पर कितने मेगावाट? 600 मेगावाट। ठीक है, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है 2023। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 2023। इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। पहली बार ग्रीन एनर्जी फंड प्राप्त करने वाला राज्य, पहली बार ग्रीन एनर्जी फंड प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? एमपी। आगर, शाजापुर, नीमच, सोलर पार्क प्रस्तावित है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगर, शाजापुर, नीमच, सोलर पार्क, ये तीनों जगह बनेंगे कितने? 1500 मेगावाट के, 1500 मेगावाट के। कब तक बन के तैयार हो जाएंगे ये? 2022 तक का लक्ष्य है। छतरपुर सोलर पार्क प्रस्तावित है, छतरपुर सोलर पार्क प्रस्तावित है कितने मेगावाट है? 950 मेगावाट, 950 मेगावाट। ये इनका लक्ष्य कब तक है? ये 2023 तक बनेंगे। अगला है मुरैना सोलर पार्क प्रस्तावित 1400 मेगावाट, 1400 मेगावाट, इसका लक्ष्य क्या है? 2023 तक। कुसुम योजना का संबंध किस से है? कुसुम योजना का संबंध है सोलर पावर से। सोलर ऊर्जा से, सोलर ऊर्जा से संबंधित है। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए किन दो राज्यों के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं? केन बेतवा लिंक कहाँ पे है? MP प्लस UP के बीच में हुए हैं। केन बेतवा लिंक मध्य प्रदेश की पहली नदी जोड़ो परियोजना, एमपी की पहली नदी जोड़ो परियोजना, मध्य प्रदेश की पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन सी है? केन बेतवा लिंक। अगर आपसे पूछा जाए केन बेतवा लिंक पर किस नदी का पानी डाइवर्ट कर रहे हैं, इसमें केन नदी का पानी, इसमें केन नदी का पानी का पानी किस में डालेंगे? बेतवा में, बेतवा में छोड़ा जाएगा। इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश और यूपी। अच्छा, इसमें हस्ताक्षर तो किए गए लेकिन मोदी जी, वो आदि योगी आदित्यनाथ और शिवराज सिंह के बीच में, शिवराज सिंह ने कहा है कि हम तुम आपको 750 750 मिलियन मिलियन क्यूबिक मीटर पानी देंगे। हिसाब शिवराज सिंह ने भी समझौता कर लिया है कि भैया कि हम तो आपको 750 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी देंगे। ये किसको मिलेगा? ये यूपी को मिलेगा पानी। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, मध्य प्रदेश की पहली नदी जोड़ो परियोजना, मध्य प्रदेश की पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन सी है? केन बेतवा लिंक। अच्छा, ये मध्य प्रदेश की पहली, तो ये कौन सी है? दूसरी। स्टार्ट कब हुई थी? 2014 में। दोधन बांध किस नदी पे बना है? दोधन बांध ही है जिससे
जिससे केन नदी का पानी कहाँ पर डाइवर्ट कर रहे हैं? दोधन बांध से बेतवा में, केन नदी पर। अगर आपसे पूछा जाए केन बेतवा लिंक परियोजना से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रभावित है, तो ये कौन सा है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना नेशनल पार्क। अगला देखते हैं, 22 मार्च विश्व जल दिवस पर राष्ट्रीय जल जल मिशन द्वारा बारिश के पानी को सहजने के लिए कौन से अभियान की शुरुआत की गई? कौन से अभियान की शुरुआत की गई है? केच द वाटर, केच द वाटर। इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, भारत सरकार द्वारा हर घर जल का लक्ष्य क्या रखा है? भारत सरकार द्वारा हर घर जल का लक्ष्य रखा है 2024 तक। मध्य प्रदेश के जल पुरुष किसे कहते हैं? ये राजेंद्र सी है। भारत के पहले जल मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सी है शेखावत, भारत के पहले जल मंत्री। अगर आपसे पूछा जाए कि हर घर जल उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य है गोवा। अगर आपसे पूछा जाए कि हर घर जल उपलब्ध कराने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो है पुडुचेरी, पुडुचेरी। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश के सागर जिले की काजल अग्रवाल को इंस्टीट्यूट गोल्ड मेडल फॉर बेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट और प्रोफेसर रमेश चंद्र बेहरा गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। किसने सम्मानित किया गया है? ये अपने रामनाथ कोविंद ने सम्मानित किया गया। ये क्यों किया गया है? ये इसके लिए किया गया जो ग्लेशियरों का पानी जो पिघल रहा है उसके लिए शोध के लिए दिया गया है। इसका अगला देखते हैं, काजल अग्रवाल को इमेजिंग प्रोसेसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से देश में खत्म हो रहे ग्लेशियरों को चिन्हित करने के तकनीकी पर शोध करने के लिए सम्मानित किया गया है। तो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, हो गया। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग प्रतियोगिता में भारत को रजत पदक दिलाया है? इसका देखते हैं, भारत को रजत पदक दिलाया शूटिंग अकादमी, ये कहाँ पे हुई है? ये हो रही है दिल्ली में। इसके लिए एक मैं अलग से एक लेक्चर बना दूंगा। इसमें किसने जीता है रजत पदक? रजत पदक ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने रजत पदक जीता है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह, इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, ऐश्वर्य प्रताप सिंह का संबंध किस जिले से? ऐश्वर्य प्रताप सिंह ये अभी आने वाली एग्जाम के लिए वेरी महत्वपूर्ण है, वेरी IMP क्वेश्चन है। यह है खरगोन से। 2019 का एकलव्य पुरस्कार भी ऐश्वर्य प्रताप सिंह को मिला था, ऐश्वर्य प्रताप सिंह है। 2021 टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई पुरुष में मध्य प्रदेश का 2021 में पहला व्यक्ति, ये भी कौन सा है? ऐश्वर्य प्रताप सिंह है। प्रतियोगिता में ये जो प्रतियोगिता हुई वर्ल्ड कप शूटिंग का, इसमें प्रथम स्थान पे कौन रहा? भारत। कितने पदक जीते हैं? 32, 32 पदक जीते हैं। इसमें 15 है गोल्ड,
सिल्वर जीते हैं, 10, 7 जीते हैं ब्रॉन्ज, 7। दूसरे नंबर पे कौन सा, पहले पे तो भारत है, दूसरे पे कौन सा है, अमेरिका, दूसरे पे अमेरिका है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2016-17 और वर्ष 2017-18 के लिए डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2016 के लिए मिला है, 2016-17 के लिए किसको मिला है, सोनवणे, और 2017-18 के लिए किसको मिला है, 17-18 के लिए, और ये 17 गिरिराज कुमार को मिला है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वो सी, यह दोनों 2017 के लिए सोनवणे, 2016-17 के लिए सोनवणे, 2017-18 के लिए गिरिराज कुमार। इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, वाकणकर पुरस्कार की शुरुआत अगर आपसे पूछी जाए तो 2005-06 में की गई है। पहला वाकणकर पुरस्कार किसको मिला है, स्वराज प्रसाद गुप्ता को मिला है। बेम्बेटिका की खोज किसने करी है, वाकणकर, कब की है, 1957-58 में। यह पुरस्कार किसको दिया जाता है, ये पुरस्कार पुरातत्वविद होते हैं उनको मिलता है शोध के लिए। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास की योजनाओं में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर, जो ग्रामीण विकास की जो योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन के लिए कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है, वो है इंदौर। इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, दीनदयाल अंत्योदय योजना की शुरुआत कब की गई, दीनदयाल अंत्योदय योजना की शुरुआत 2006 में की गई। नरेगा जो अधिनियम आया, नरेगा की शुरुआत कब की गई, नरेगा की शुरुआत तो 2006 में हुई थी, लेकिन जो अधिनियम कब आया था, 2005। अगर नरेगा की बात करें, पहले नरेगा नाम से था, लेकिन इसका नाम मनरेगा नाम 2009 में हुआ, इसका मनरेगा नाम 2009 में कर दिया गया। अगला देखते हैं, हाल ही में किस इंस्टीट्यूट द्वारा कम खर्च और बिना साइड इफेक्ट वाली ब्लड कैंसर की नई दवा एस्परा जीनेंस का आविष्कार किया है, किसने किया है, आईआईटी इंदौर, आईआईटी इंदौर के द्वारा किया गया, ठीक है। इसका देखते हैं अगला महत्वपूर्ण तथ्य, आईआईटी इंदौर की स्थापना, अगर आपसे पूछा जाए आईआईटी इंदौर की स्थापना कब की गई, आईआईटी इंदौर की स्थापना 1996 में। ल्यूकेमिया क्या है, जब डब्ल्यूबीसी की संख्या आरबीसी की संख्या से ऊपर बढ़ जाती है, अधिक हो जाती है, डब्ल्यूबीसी की संख्या में वृद्धि होने से ल्यूकेमिया जो बीमारी है, ये WBC की संख्या बढ़ जाएगी तब ये होगी। ये कैसी बीमारी है, ये ब्लड कैंसर है,
ब्लड कैंसर है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? 2021 की थीम है, मैं हूँ और मैं रहूँगा, आई एम एंड आई विल। अगला देखते हैं, मुख्यमंत्री ने किस जिले से कोरोना बचाव के जन जागरूक अभियान का शुभारंभ किया है? भोपाल से। अगला देखते हैं, इसके महत्वपूर्ण तथ्य, जन जागरूकता अभियान की शुरुआत कब की गई? 23 मार्च 2021। इसका देखते हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रदेश की कितने थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी? महिला हेल्प डेस्क, जो महिलाएं अपनी समस्या इन थानों पे, मतलब जो 700 जो ऐसे थानों पे जो महिला हेल्प डेस्क बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर महिलाएं अपनी समस्या एक ही स्थान पर महिला अधिकारी रहेगी, उनको अपनी समस्याएं बता दिए जाएगी। और अलग अलग जगह पे जाने से अच्छा है कि इस डेस्क पे जाएगी, वहाँ पे उनकी सभी समस्या को समाधान किया जाएगा और बेइज्जत एक महिला अधिकारी को अपनी समस्या सुनाएगी, जिससे महिलाओं के में डर खत्म होगा। कितने बनेंगे? 700। इसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? मध्य प्रदेश का पहला महिला पुलिस थाना की बात करेंगे तो ये कहाँ पे है? भोपाल में बनेगा। मध्य प्रदेश की एक महिला पुलिस जेल कहाँ पे? मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला पुलिस जेल कहाँ है? होशंगाबाद। दिशा एक्ट, ये निर्भया कांड के बाद में जो निर्भया जो केस हुआ था, उसके बाद में अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने दिशा एक्ट शुरू किया है, जिससे महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म का व्यवहार कर रहे हैं उनको तत्काल में सजा दी जाएगी। इसमें मृत्युदंड का प्रावधान है। मृत्युदंड मतलब जो भी सजाई है वो लंबे टारगेट तक न खींचकर, उसको तत्काल में सुनवाई की जाएगी और उनको सजा दी जाएगी अगर दोषी पाए गए तो। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान की शुरुआत कब की? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी शुरुआत कब की है? मेरा मास्क मेरी सुरक्षा, ये किससे संबंधित है? कोरोना से संबंधित है। 23 मार्च 2021 को किसके द्वारा की गई? सीएम चौहान द्वारा। कहाँ से की गई है? भोपाल से। इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, इसके महत्वपूर्ण तथ्य है, इसकी शुरुआत कब की गई? 23 मार्च 2021, रोको टोको अभियान किसके द्वारा चलाया गया? एमपी के द्वारा। एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान किसके द्वारा चलाया गया? एमपी के द्वारा चला गया। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के किस खिलाड़ी ने ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग प्रतियोगिता में देश को 3 स्वर्ण पदक दिलाए हैं? ये प्रतियोगिता कहाँ पे हुई? ये दिल्ली में हुई। टॉप पे कौन रहा? इस पे टॉप पे रहा भारत। कितने पदक? 32 पदक। दूसरे पे कौन था? पहले पे भारत रहा, दूसरे पे रहा अमेरिका। और इसमें 3 स्वर्ण पदक किसने किसने दिलाए हैं? ऐश्वर्य प्रताप सिंह एक,
और चिंकी यादव दो इन्होंने दिलाए हैं। शूटिंग से संबंधित दोस्तों इसका मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा जिसमें ये पूरी शूटिंग जो दिल्ली में हुई थी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू दोस्तों आज के लिए।